ये फर्स्ट कोर्ट कंप्लीट होते हुए देखिए। तो देखिए इस तरीके से अपन रॉयल साइन को अप्लाई करते हुए देख रहे हैं आप। नमस्कार फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका पेंट करो चैनल में। तो मैंने दोस्तों आपको पिछली वीडियो में दिखाया था कि वॉल सीलिंग पे अपन रॉयल साइन पेंट कैसे करते हैं। चलिए अब मैं दीवार पे दिखाऊंगा वॉल पर रॉयल साइन पेंट कैसे करते हैं। तो देखिए ये अपन ने प्राइमर के करके दो कोट एक्रेलिक पुट्टी इस पर अपन ने कर दी थी। अब चलिए अपन इसकी मजाई करते हैं, मानो रबिंग करते हैं इसको। तो देख रहे हैं आप ये जॉन ओके का 180 नंबर रेख माल है। तो चलिए अपन इससे अब इसकी घिसाई करते हैं। तो अपन ने पहले इस पर प्राइमर डाला, प्राइमर डाल के फिर दो कोट एक्रेलिक पुट्टी की, एक्रेलिक पुट्टी करने के बाद फिर घिसाई की, और घिसाई करने के बाद फिर अपन ने इस पर ऑयल प्राइमर डाला, और ऑयल प्राइमर डालने के बाद चलिए अब आपको बताते हैं किस तरीके से इसकी घिसाई फिर करनी है। प्राइमर डालने के बाद जब अपन रॉयल साइन अप्लाई करेंगे तो उसके पहले 180 नंबर वाटर पेपर से आप इसकी मजाई कर लेंगे। देखिए इस तरीके से ये आपको मजाई करते हुए दिखाएंगे हम इस तरीके से। देखिए बढ़िया तरीके से 180 नंबर वाटर पेपर से इसकी मजाई कर लेंगे। देखिए इस तरीके से अपन इसकी मजाई करते हुए देख रहे हैं आप। और मजाई करने के बाद इसकी बढ़िया झाड़ू या ब्रश की सहायता से वॉल की सफाई कर लें, और सफाई करने के बाद फिर आप रॉयल साइन पेंट अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए इस तरीके से घिसाई करने के बाद झाड़ू की सहायता से बढ़िया सफाई कर लें, जिससे कि वॉल पर कोई धूल या किसी प्रकार की कोई गंदगी ना रहे। चलिए अपन इसका मटेरियल तैयार करेंगे। तो देखिए ये अपना रॉयल लग्जरी इमल्शन है। देखिए रॉयल साइन, इसका जो कलर कोड नंबर है 7164 है। चलिए अब मटेरियल को तैयार करते हैं। 4 लीटर की बाल्टी है अपनी, इस तरीके से ढक्कन खोलते हुए थोड़ा मटेरियल अपन दूसरी बकेट में पलटेंगे। इस तरीके से पूरा पलट लेंगे। अपन इसमें पानी की बात करें, इसमें 1 लीटर में 400 से 500 ml तक आप पानी मिला सकते हैं। तैयार करते हुए आप देख रहे हैं कि अपन ने पानी ले लिया है, और इसको डब्बे को अच्छी तरीके से साफ कर लेंगे। देखिए अब इसको अपन बढ़िया मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद ज़रूरत अनुसार थोड़ा पानी और ले लेंगे। थोड़ा सा पानी और ले लेंगे ज़रूरत अनुसार। ये अपना मटेरियल तैयार है, और ये अपना मटेरियल अप्लाई करने के लिए तैयार है। इसकी दोस्तों अपन पैकिंग की बात करें तो 1 लीटर, 4 लीटर, 10 लीटर, 20 लीटर, और ये 200 ml की पैकिंग में भी आता है। तो आपको जहाँ जैसी ज़रूरत है क्वांटिटी के हिसाब से आप उस क्वांटिटी में माल आप परचेज कर सकते हैं। 6 इंची के फॉर्म वाले रोलर लेंगे। देखिए ये अपने 6 इंची वाले रोलर हैं। ये 6 इंची का फॉर्म वाला रोलर है, और ये 5 इंची का ब्रश है। इससे अपन रॉयल साइन को अप्लाई करेंगे। तो देखिए इस तरीके से अपन रॉयल साइन को अप्लाई करते हुए देख रहे हैं आप। ये कॉर्नर की साइड अपन 5 इंची की ब्रश से देखिए इस तरीके से कॉर्नर बना लेंगे। देखिए ये बहुत ही लाइट कलर है। देखिए आपको अभी समझ में नहीं आ रहा होगा कि अपन पेंट कर रहे हैं कि नहीं। ये रोलर की सहायता से अपन, ये दोस्तों अपना 6 इंची का रोलर है। देखिए इस तरीके से रोलर से अपन प्रेस करते हुए देख रहे हैं। देखिए ये फर्स्ट कोट रॉयल साइन का करते हुए देख रहे हैं आप। तो ये रॉयल साइन अपना चमकदार फिनिश का पेंट है। इसमें कोई अगर दाग धब्बा लग जाए तो आप इसको पानी से वॉश कर सकते हैं, मानो इसको धुल सकते हैं। और अगर इसकी अपन दो कोट की कवरिंग की बात करें, डार्क साइड की बात करें, तो ये 100 से 130 स्क्वायर फीट के आसपास एरिया कवर करता है। और इसकी लाइट साइड की बात करें तो ये 140 से 160 स्क्वायर फीट एरिया कवर करता है दो कोट में। इस तरीके से अपन इसको प्रेस करते हुए देख रहे हैं आप।
तो देखिए अगर अपन कोई लाइट सेट अगर रॉयल साइन कर रहे हैं तो एक से दो कोट में ये बढ़िया फिनिश हो जाता है, अगर कोई डार्क शेड है तो वो तीन से चार कोट भी लेता है। जितने भी प्रोडक्ट हैं एशियन पेंट के, हमने सारे प्रोडक्ट की वीडियो अपने चैनल पर बना रखी है, आप हमारे चैनल पर जाके हर प्रोडक्ट की वीडियो देख सकते हैं। आपकी सुविधा के लिए हमने अपने चैनल पर आपके लिए एक्रेलिक पुट्टी, वुड प्राइमर, एस स्पार्क एडवांस, ट्रैक्टर इमल्सन, ट्रैक्टर स्पार्क इमल्सन, वॉल पुट्टी, स्प्रे मशीन से पेंट, वाटर प्रूफिंग, सभी प्रकार की वीडियो बनाई है, आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं। तो देखिए ये अपना फर्स्ट कोट अप्लाई होते हुए देख रहे हैं आप, देखिए ये रॉयल फाइन का फर्स्ट कोट अप्लाई करते हुए। इसकी अपन लाइफ की बात करें तो 5 से 6 साल की इसकी लाइफ होती है और एशियन पेंट कंपनी भी इसकी 5 ईयर की वारंटी देती है। और ये अपना हाइशीन पेंट होता है और एंटी बैक्टीरियल भी होता है, इससे हमारे पेंटर भाइयों को भी कोई साइड इफेक्ट नहीं होते हैं इसके। बहुत ही शानदार पेंट है ये और ये लो VOC है, इसमें स्मेल वगैरह नहीं आती है। फर्स्ट कोट अप्लाई करते हुए देखिए ये अपना फर्स्ट कोट कंप्लीट होते हुए देख रहे हैं आप। और देखिए इसका अपन फर्स्ट कोट करने के बाद इसको 4 से 6 घंटे सूखने के लिए छोड़ देंगे, उसके बाद अपन रॉयल फाइन का दूसरा कोट अप्लाई करेंगे। ये फर्स्ट कोट कंप्लीट होते हुए देखिए, पेंट से रिलेटेड वीडियो के लिए आप मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं किस टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए। और दोस्तों अगर आप पपड़ी या मॉइस्चर या सीलन और फफूंदी टाइप के जो एरिए हो जाते हैं बॉल पर, अगर आप उससे परेशान हैं और उसे दूर करने के लिए आप हमारी ये वाली वीडियो देख सकते हैं।